हम मिट्टी के बारे में पढ़ रहे थे। मिट्टी में हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में विस्तार से देखा। आगे हम लाल मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे कि लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है, लाल मिट्टी का निर्माण किससे हुआ। तो हम आपको सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी का विस्तार भारत के प्रायद्वीपीय भाग में सबसे अधिक है। तो वह राज्य कौन सा है? वह राज्य आपका तमिलनाडु और केरल है। तमिलनाडु और केरल राज्य में लाल मिट्टी का निर्माण सर्वाधिक है, यानी विस्तार सर्वाधिक है, निर्माण नहीं, विस्तार सर्वाधिक है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट जैसे चट्टानों से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी में सिलिका प्लस आयरन की मात्रा अधिक है। लाल मिट्टी में सिलिका प्लस आयरन की मात्रा सर्वाधिक है। जब सिलिका और आयरन की मात्रा सर्वाधिक है तो इसका रंग कैसा होगा? लाल होगा। तो हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। अगर यह लौह ऑक्साइड नहीं होता तो इसका रंग लाल नहीं होता। अब लाल मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? लोहा, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन प्रमुख रूप से ये तत्व लाल मिट्टी में पाए जाते हैं। इसकी इस मिट्टी में खेती की जाती है तो किसकी? जो मोटे अनाज होते हैं ना, मोटे अनाज जो होते हैं उस मोटे अनाज की कृषि की जाती है। मिट्टी में दूसरा पॉइंट हमारा है काली मिट्टी। कि काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर के नाम से जाना जाता है। और इस काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा के निक्षेप से होता है। यह मिट्टी सर्वाधिक गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कितना है? तो 500,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 500,000। काली मिट्टी में सर्वाधिक लोहा, चूना, मैग्नीशियम सर्वाधिक रूप में पाया जाता है। इस मिट्टी में जो कृषि की जाती है वो गन्ने की कृषि की जाती है और कपास की कृषि की जाती है। तो हमने देखा कि प्रमुख रूप से जो खेती की जाने वाली है वो गन्ने की है और कपास की है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक जो प्रवाहित होती है वो किससे प्रवाहित होती है? जलवायु से प्रभावित होती है। अब यह उष्णकटिबंधी, जो आर्द्र उष्णकटिबंधी जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं उसमें यह मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है।
तो क्वेश्चन यही बनता है कि बताइए ये मिट्टी कहां पे सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि ये मिट्टी सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है। ये मिट्टी सर्वाधिक भारत के पश्चिमी और भारत के पूर्वी घाट में पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट पर सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा राजमहल की पहाड़ियां और सतपुड़ा की पहाड़ियों पर यह मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। अब इसमें खेती की जाती है तो किस फसल की खेती की जाती है, इसमें खेती की जाती है तो किस फसल की खेती की जाती है, वो फसल आता है चाय, कहवा, रबर। तो जो फसल उगाया जाता है वो है चाय, कहवा, रबर। यानी चाय, कहवा, रबर की खेती जो है वो लेटराइट मिट्टी में की जाती है। इसके अगर बात करें इसके बाद तो आता है मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी का विस्तार कहां तक है, कहां से लेकर कहां तक है? तो मरुस्थली मिट्टी का जो विस्तार है वो पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, उत्तरी गुजरात में है। यानी दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। इस मिट्टी में सर्वाधिक जो खेती की जाती है वो मोटे अनाज की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? मोटे अनाज की कृषि की जाती है। इस कृषि में 90% बालू के कण पाए जाते हैं। आपने देखा कि लेटराइट का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो हमने बताया लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है भारत के पश्चिमी और भारत के पूर्वी घाट में है। इसके अलावा राजमहल की पहाड़ियां और सतपुड़ा की पहाड़ियों पर है। दूसरा मरुस्थली मिट्टी का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो जो भारत, जो पश्चिमी राजस्थान है, दक्षिणी हरियाणा है, उत्तरी गुजरात है, वहां पे मरुस्थली मिट्टी का विस्तार है। इसके बाद हम पीट मिट्टी की बात करें, पीट मिट्टी का विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो पीट मिट्टी का विस्तार केरल, तमिलनाडु राज्य में है। इस मिट्टी का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, इस मिट्टी का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ? इस मिट्टी का निर्माण सड़ी गली वनस्पतियों के द्वारा होता है और इस मिट्टी में जैविक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा नमक भी पाया जाता है। जो सबसे लास्ट मिट्टी है उस मिट्टी का नाम है दलदली मिट्टी। ये दलदली मिट्टी है तो कौन है, कहां पे ये पाई जाती है दलदली मिट्टी? दलदली मिट्टी जो पाई जाती है वो नदियों के डेल्टाई वाले भाग में पाई जाती है। जो नदी का डेल्टाई वाला भाग होता है वहां पे दलदली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में सर्वाधिक किसकी मात्रा अधिक होती है, तो लोहा और जीवांश, लोहा और जीवांश की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लोहा और जीवांश की मात्रा सर्वाधिक किस मिट्टी में होती है, तो दलदली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। ये हमने जो आपको बताया एग्जाम के दृष्टिकोण से मिट्टी के प्रश्न महत्वपूर्ण है। यानी यहीं से अगर मिट्टी से क्वेश्चन बन रहा है तो यहीं से बनेगा। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि इसके बाहर से भी क्वेश्चन पूछे, नहीं पूछ सकता है। क्या बनाएगा क्वेश्चन, कहां से लाए, यही तो सब कुछ है। जो हमने आपको कंटेंट दिया यही कंटेंट आप
ध्यान रखिए। और मिट्टी से अगर क्वेश्चन आता है इससे बाहर तो जाएगा नहीं, ये 100% की गारंटी है। इसको मानिए, इसको समझिए और इसको दिमाग बैठाइए। हमारे वीडियो को जब आप देर पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर पूरा नहीं देखेंगे अधूरा छोड़ देंगे तो समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि हम एक जीएस का पोर्शन लेकर चल रहे हैं, बारी बारी से पोर्शन लेकर चल रहे हैं। हम एक वीक पॉइंट क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा पॉइंट जो किसी टीचर ने टच नहीं किया, किसी टीचर ने व्यवहारिक बनाने का प्रयास नहीं किया, उस पॉइंट को हम व्यवहारिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उस पॉइंट को हल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए आपसे मैं यही कहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए हमारे नंबर पे, हमारे चैनल पे आप जाके लाइव क्लास भी देख सकते हैं। थैंक यू।